क्यों बिगड़ेंगे? ध्यान रखिए, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करिए, अच्छी शिक्षाएं दो, अच्छी बातें करो। तुम ये तो पूछते हो टीवी में कोई फिल्म आ रही है, कोई मूवी आ रही है, ये कौन सा हीरो है, ये कौन सी हीरोइन है, धत तेरी की, बता दे मेरा बेटा हीरो को पहचान गया। कभी बच्चों को मंदिर ले जाके पूछा ये कौन से भगवान है, इनका चिन्ह क्या हुआ करता है, ये कौन से तीर्थंकर हैं, ये कौन से महापुरुष हैं, कभी पूछा हमने? नहीं पूछा ना। तो ये बच्चे क्या करेंगे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ? ध्यान रखिए, परवरिश अच्छी करने का प्रयास करिए। मान्यवर, सोचना है भूखे को रोटी देता है या नहीं देता है, ध्यान रखना। आज मैं एक पाठशाला लेके बैठा हूं, यहां बच्चों को नहीं बड़ों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। स्कूलों में क्या पढ़ाते? आ से अनार, गा से गमला, क्या पढ़ाते स्कूलों में? एक बार बड़ा विवाद हो गया कि पहले पढ़ाया गा से गणेश, मुसलमानों को बड़ी आपत्ति हो गई, ये तो धर्मांधता है, ये तो गा से गणेश पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा गा से गणेश। बोले क्यों? बोले ये तो हिंदू धर्म के देवता हैं। तो बोले एक काम करो, ये गणेश को हटाओ, शिक्षा बोर्ड ने सोचा गा से गणधर कर दो। हिंदू नाराज हो गए, गणधर ये तो जैनियों के होते हैं, ये तो सांप्रदायिकता है, हम नहीं पढ़ सकते। आज देश में भी यही चल रहा है, हमारे देश में, ध्यान रखना, गा से गणधर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो बोले ऐसा करो गा से गॉड पढ़ा दो। अरे बोले तो ईसाई हो गया। अक्षरों से किसी की जात बदलती है क्या? सोच हमारे देश का। बोले यार ये तो जो भी रखो वही झगड़ा हो रहा है। तो बोले वर्णमाला से गा शब्द ही हटा दो। अरे बोले गा हटाएंगे तो पढ़ेगा कैसे? तो बोले क्या किया जाए? तो हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, वो गणधर पसंद नहीं करता, वो गणेश पसंद नहीं करता, वो गॉड पसंद नहीं करता। जब कहा गा से गधा पढ़ाओ, तो मुसलमान भी राजी हो गया, हिंदू भी राजी हो गया, जैन भी राजी हो गया। बोले गा से गधा। क्या संस्कार हमारे जीवन में। ये मेरी पाठशाला है, यहां मैं आपको आ से अनार नहीं सिखाऊंगा, ये तो तुम्हारे माता पिता ने सिखा दिया बचपन में। मेरी पाठशाला में आओ तो मेरी वर्णमाला थोड़ी बदली है मेरे भाई। आ से अदब सीखो, बा से बहादुरी सीखो, सा से सलीका सीखो, दा से दोस्ती सीखने का प्रयास करिए तो आपका जीवन। आज से अदब सीखिए, अदब नहीं आई जिंदगी में। मान्यवर, सोचना है आपको, सिखाओ अपने बच्चों को, वर्णमाला के चार्ट बदल दीजिए। क्या गा से गधा पढ़ाते हो मेरे भाई? मान्यवर, निवेदन है आपसे, पढ़ना लिखना ही मत सिखाओ, अपना ही कैरियर मत बनाओ, अपना ही टैलेंट बनाने में मत लगे रहो। बच्चों के प्रति भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती। बच्चे क्या है? कच्ची मिट्टी। सुना होगा आपने कई बार, बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद हुआ करते हैं। एक बात याद रखो, कच्ची मिट्टी है, जो चाहे वो बना लो। इस कच्ची मिट्टी से ध्यान रखना, शराब का प्याला भी बन सकता है, और इसी कच्ची मिट्टी से पूजा का मंगल कलश भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते? इसमें भर के पीते, जानते? हाँ, ये बात है तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई भी भाषी हो चिलम तो जानेगा। गांजा अफीम भर के जिसमें पिया जाता है, एक कुम्हार चिलम बना रहा था, और बनाते बनाते ना जाने उसके मन में क्या सूझा, उसने चिलम तोड़ डाली और उस मिट्टी को फिर से गला के उसने घड़ा बनाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि कुम्हार तूने इतने जल्दी अपना विचार क्यों बदल दिया? बोली इसलिए बदल दिया महाराज कि चिलम बनाऊंगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, घड़ा बनाऊंगा तो प्यासों को पानी प्राप्त होगा। मिट्टी वही है, घड़ा बनाना है या चिलम बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड किया करता है। सोचना, बहुत स्कूल बनाते हैं हम। मैडम बैठी हैं, स्कूल छात्रावास कॉलेज चलाती हैं, बनाओ, मेरा पूर्ण समर्थन है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने के बराबर हुआ करता है।
आप 100 विद्यालय बना लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दे दी जाए तो 100 विद्यालय बनाने से बढ़कर के काम हुआ करता है। एक ही बहुत है, ध्यान रखना। 100 लोग तो नहीं सुधरा करते हैं जीवन में, लेकिन एक को संस्कारित कर दिया वो एक व्यक्ति एक बच्चा ना जाने जीवन की क्या दिशा देगा। स्कूल लगा है, क्लासरूम लगा है, टीचर ने पूछा, शिक्षक ने पूछा, स्वर्ग किस किस को जाना है, सब बच्चों ने हाथ उठा दिया, हमको स्वर्ग जाना, हमको स्वर्ग जाना, हमको स्वर्ग जाना। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। शिक्षक ने पूछा, क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना, या तुमने मेरा प्रश्न नहीं सुना है? बोले, मैडम मैंने प्रश्न तो सुन लिया है, लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। बोले, क्यों नहीं जाना स्वर्ग? हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, बिगड़े से बिगड़ा आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो? मुझे स्वर्ग नहीं जाना मैम, मैं किसी भी कीमत पे स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है। क्यों, तुम स्वर्ग के बारे में नहीं जानते? बोले, जानता हूं, वहां देवताओं का निवास होता है, स्वर्ग में स्वर्ग का जैसा जीवन सुखी सुख वहां हुआ करता है, तो फिर तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम नरक जाना चाहते हो? उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं नरक भी नहीं जाना चाहता हूं, तो फिर कहां जाना चाहते हो? बोले, मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता हूं। बोले, मतलब क्या है? बोले, मैं स्वर्ग कभी नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे तुम? बोले, मैडम मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, स्वर्ग धरती पे उतारना चाहता हूं, कि स्वर्ग इस धरती पर उतर करके वापिस आ जाए। जानते हो वो बच्चा कौन जिसने कहा मैं स्वर्ग जमीन पर उतारूंगा? वो बच्चा नरेंद्र। आगे जाकर के वो बच्चा, ध्यान रखिए, जिसने कहा कि मैं स्वर्ग जमीन पर लाऊंगा, वो नरेंद्र आगे जाके स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। ये परवरिश है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग यहीं उतार के लाना है, ध्यान रखिए। और मैं आपसे, महिलाओं से भी निवेदन करता हूं, पुरुषों से निवेदन करता हूं, कि मंदिरों में जाके स्वर्ग मत मांगो, मंदिरों में जाके तो प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने घर को स्वर्ग बना के रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हो, जीते जी स्वर्ग बनाओ मेरे भाई। किसने देखा है मर के कौन कहां जाता है? अरे जीते जी स्वर्ग बना ले। और एक बात मेरी पुलक सागर की याद रखना, जो आदमी अपने घर को अपने परिवार को नरक बना करके जीता है, नरक जैसा वातावरण रखता है, नरक जैसा माहौल बना के रखता है, मैं गारंटी से कहता हूं, मंदिर तो छोड़ो, समय शिखर से भी प्राण निकले तो भी वो आदमी नरक जाएगा। और जो आदमी घर को स्वर्ग जैसा बना के रखता है, अरे मंदिर जाए या ना जाए, मरने के बाद स्वर्ग उसको जरूर प्राप्त हुआ करता है। घर को स्वर्ग बनाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। मार काट डांट गाली गलौज, ये नरक जैसा वातावरण है, ध्यान रख। मंदिरों में स्वर्ग तलाशने वालों, मैं कहता हूं कि तुम कहते हो घर गृहस्थी से नरक मिलता है, तो एक बात याद रखना पूना वालों, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी वही होती है और उतरने की सीढ़ी भी वही होती है। यदि तुम्हारे घर से नरक के द्वार खुलते हैं, आज जाके तलाशना, देखना, ढूंढना कि जहां से नरक के द्वार उतरने के हैं वहीं से स्वर्ग के द्वार चढ़ने के भी हुआ करते हैं। सीढ़ी एक ही होती है, वही चढ़ाती है, वही उतारती है। यही घर नरक देगा और यही गृहस्थी तुम्हें स्वर्ग के रास्ते भी खोल सकती। परवरिश अच्छी होना चाहिए। ऊंची आवाज में आपका बच्चा बात तो नहीं करता, बच्चा आपको जवाब तो नहीं देता? देता है तो अपना जीवन बदलने का प्रयास करो। आप चाहते हो कि बच्चा बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, तो आज से ही नियम ले लो कि हम घर में जाकर आज से ही अपने सास ससुर बुजुर्गों की सेवा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो आप करेंगे वही बच्चा आपके साथ करेगा। एक पति पत्नी मेरे पास आए दर्शन करने, सुबह सुबह, छोटा सा बच्चा, इतना सा, 2 साल का रहा होगा। उन्होंने कहा महाराज को धोख दे। बच्चा धोख देने को तैयार ही नहीं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बोले नहीं दूंगा। अरे तो मैंने कहा इतना सा बच्चा, गुस्सा कितना इसके अंदर। अरे मम्मी बोली धोख दे बेटा, धोख दे, धोख दे। अरे मैंने कहा देखो बच्चा धोख नहीं समझता है, जबरदस्ती मत दिला। अरे बोली सीखेगा कैसे महाराज, धोख तो दिलाना पड़ेगी, मुनि जी को प्रणाम नहीं कर रहा, नमस्तु नहीं कर रहा, ये धोख नहीं दे रहा। अरे मैंने कहा ये बच्चा कंप्यूटर की औलाद, ये धोख नहीं समझता,
ये धोख की जगह नहीं ठोक समझ लिया इसने, तो तू कह रही धोख दे, ये समझेगा ठोक दे, लफड़ा मेरे साथ हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान रखना इसको ऐसे धोख मत दिलाइए। तो बोले महाराज कैसे सिखाऊं इसको, देखो ना कहना नहीं मानता है। मैंने कहा 2 साल का बच्चा वो क्या जाने धोख क्या होते हैं। मैंने कहा तुम दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ो। पति पत्नी ने हाथ जोड़ा। मैंने कहा नमोकार मंत्र बोलो। वो नमोकार मंत्र बोलने लगे। बच्चे ने ऊपर देखा, मम्मी हाथ जोड़ी, पापा हाथ जोड़ी, बच्चे ने झट से हाथ जोड़ लिए, बोले नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाणम। अब 2 साल के बच्चे को तो आता नहीं है, वो ओंठ चलाने लगा, भगवान जाने क्या बोल रहा था।